हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप भी सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो पहले सबसे आपको इसका सिलेबस देखना होगा। या फिर आपने दो तीन बार ट्राई कर लिया है फिर भी आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं ये एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस जो है आप इसको निकाल के अपने पास रख लें, या फिर आप इसको देख लें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं तो हमारा जो मोस्टली जितने भी टॉपिक होते हैं तो वो सारे कवर होते रहते हैं। और अगर हम लोग को सिलेबस नहीं पता होता है तो हम लोग ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है उसमें। ईपी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और जो 15 क्वेश्चन रहेंगे ये चाइल्ड डेवलपमेंट से आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस ये दिया गया है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो गया आपका, वही अनुवांशिक और वातावरण जो हो गया, सोशलाइजेशन प्रोसेस आएगा इसमें जो समाजीकरण प्रक्रिया है। बाकी आपको प्याजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की ये बहुत अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करना है आपको। क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये कम्प्लीट करना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस ये टॉपिक कंप्लीट करना है। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, तो इसमें आपके जेंडर रोल, जेंडर बायस ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हो जाएंगे तो ये सारा इसमें आ जाएगा। कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज ये सारे टॉपिक इसमें आपके हो जाएंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये दोनों टॉपिक जो हैं ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो गया, परस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आपका जो लास्ट है इसमें फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एसेसिंग रेडीनेस लेवल, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ पे जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हो जाएंगे वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो वहाँ पे इनके डिसएडवांटेज जो होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज़, जो लर्निंग डिफिकल्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो लर्निंग पेडागोजी के आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ चिल्ड्रेन थिंक, मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं। उसके बाद बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेटजीज क्या होंगी, क्या क्या सोशल कॉन्स्टेक्ट ऑफ लर्निंग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इसमें सोशल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड रहेंगी। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। ये पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे आपके। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसा क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसमें आपके स्टेप्स रहेंगे लर्निंग प्रोसेस के। उसके बाद आपका कॉग्निशन एंड इमोशन इसमें आ जाएगा। मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एनवायरमेंटल, तो ये लैंग्वेज होते हैं तो वहाँ पर आपके एक हिंदी होगा और उसके बाद फिर दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश या फिर संस्कृत, आप कुछ भी यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, मान लीजिए 2 में भी आपका सेम रहेगा लैंग्वेज 1 की तरीके से, तो इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद पेडागोजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी सेम सिलेबस हो जाएगा। ये मैथ्स का जो सिलेबस है, तो यहाँ पे आपके जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो तो कंटेंट से आएंगे, जैसे आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद शेप्स से हो गया, सॉलिड अराउंड अस, नंबर से आएंगे क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। अब ये सब आपको इतने सिंपल से टॉपिक लग रहे हैं, बस आपको पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज ही सारे कवर करने हैं। इसमें वॉल्यूम आएगा, डेटा हैंडलिंग पैटर्न, मनी, तो यहाँ पे आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बस यही टॉपिक तैयार करना है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं। अब यहाँ पे बाकी बी वाला जो सेक्शन है पेडागोजी से आएगा, तो इसके जो 15 मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पूछ लेगा आपसे, लॉजिकल थिंकिंग पूछेगा, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम में इसका क्या स्थान है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग आपसे पूछ लेगा, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिमेडियल टीचिंग तो आपसे पूछा ही जाएगा, आपने लैंग्वेज में भी देखा था और मैथ्स में भी पूछ लेगा रिमेडियल टीचिंग, तो आपको ये सारी चीज़ें तो कवर ही करनी है। यहाँ पे लास्ट देखेंगे EVS का सिलेबस है, तो यहाँ पे देख लेंगे कंटेंट से जो आएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड
प्ले एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेबल, थिंग्स बी मेक एंड डू। तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी पेडागॉजिकल जो इशू है तो इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EBS पूछा जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ EBS, इंटीग्रेटेड EBS, इन्वायरमेंटल स्टडीज इसमें आएंगी, लर्निंग प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे, स्कोप पूछ लेगा इसके क्या स्कोप है, रिलेशन टू साइंस और सोशल साइंस में, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल एड्स, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पूरा कवर कर लिया है। अब चलिए देखते हैं जो जूनियर लेवल का सिलेबस है। तो यहाँ जूनियर लेवल का जो सिलेबस है उसे पूरा देखेंगे। तो जो CDP का सिलेबस है, CDP प्राइमरी और जूनियर दोनों में सेम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो आपको ये सेम सिलेबस ही जूनियर के और प्राइमरी के दोनों सेम हैं। अगर आपका प्राइमरी कवर होता है तो आपकी ये तीनों भी इसके जूनियर लेवल के भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, सेम सिलेबस ही है। आप यहाँ से अब यहाँ पे जो मैथ्स और साइंस जिसका रहेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे नंबर सिस्टम से आएगा, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। उसके बाद अल्जब्रास क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू अल्जब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिकल आइडियाज़, 2D पूछा जाएगा। उसके बाद 2D, 3D, तो ये सारे शेप्स आपको तैयार करना है ज्योमेट्री से। सिमेट्री आपकी पूछी जाएगी, रिफ्लेक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आपका जो पेडागॉजिकल इशू है, तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये देखना है, 10 क्वेश्चन आएंगे इससे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवेल्युएशन जो हो गया आपकी, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, तो ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन टोटल आएंगे साइंस से भी, जिसमें से 20 क्वेश्चन कंटेंट से रहेगा और 10 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से रहेगा। ऐसे ही आपका मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन था, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन कंटेंट से और 10 क्वेश्चन पेडागॉजी से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए फूड जो है, सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, तो ये यहाँ पे आपको फूड से तैयार करना है। उसके बाद मटेरियल्स, तो मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, द वर्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट तैयार करना है, मैग्नेट्स। उसके बाद आपको नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। क्वेश्चन के लिए पेडागॉजी तैयार करना है, तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस, अप्रोचेस क्या होंगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। उसके बाद प्रॉब्लम्स और रिमेडियल टीचिंग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। जब सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस है, तो यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आपको इसमें 60 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आएंगे, बाकी 20 क्वेश्चन पेडागॉजी से रहेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री से आपको कवर करना है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, कंटेक्ट्स विद डिस्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सल्तनत्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857-58, वोमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद ज्योग्राफी से देखेंगे, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, प्लैनेट देखेंगे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट। उसके बाद रिसोर्सेस आपके हैं नेचुरल, ह्यूमन और एग्रीकल्चर। तो यहाँ आपको ज्योग्राफी से इसे पूरा प्रिपेयर करना है, ये सारा टॉपिक। उसके बाद देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल स्टडी से हो गई। बाकी आपके जो 20 क्वेश्चन के पेडागॉजी से आएंगे, तो वहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद क्लासरूम प्रोसेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इनक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोर्सेज देख लेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क, एवेल्युएशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं।
जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों का सिलेबस देख लिया है, तो आपको सबसे पहले ये सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही है। आपको टॉपिक पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। अगर आपको अच्छा मार्क स्कोर करना है 120 प्लस, तो आपको सिलेबस तो एकदम पूरा रटा होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक से क्या चीज़ तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।